एक दो बंदे लैके आ दे उन जी थक जाते हैं। एक साड़ी है दरखास्त है जी इन्हों का तेल पूरा कर दो जी, एक फेरा जाते हैं जी तेल नहीं है जी। पाकिस्तान इंडिया बॉर्डर से मलिका कसूर के इलाके मैसेकी में जिधर तकरीबन 250 से 300 अफराद फंसे हुए और कुछ अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया, कितनी मुश्किल का सामना है। अब उनको रेस्क्यू करने जा रहे हैं और आपको दिखाते हैं जी बराह रास्त नाजिर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान औसाफ अली खान। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पाकिस्तान इंडिया बॉर्डर से मलिका कसूर के इलाके मैसेकी में जिधर तकरीबन 250 से 300 अफराद फंसे हुए और कुछ अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। जैसा कि आप ये मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरह रेस्क्यू की टीमें यहाँ पे लोगों को रेस्क्यू कर रही हैं और कितने लोग यहाँ पे अभी भी आगे 200 से 250 अफराद फंसे हुए हैं, कितनी मुश्किल का सामना है, किस तरह रेस्क्यू किया जा रहा है। अभी भी 250 से 300 अफराद फंसे हैं, हम इस बोट में जाएंगे और देखेंगे कि उनको किस तरह रेस्क्यू किया जा रहा है, क्योंकि आपका आपके बकौल यहाँ पे अभी तक कोई मदद करने के लिए आया ना, नहीं आया ना मीडिया वाले आया ना कोई सरकारी महकमा आया, ये 2-3 कश्तियाँ आई हैं रेस्क्यू की, क्या कहना चाहेंगे? रेस्क्यू है तो तकरीबन 1-2 बंदे लैके आते उन जी थक जाते हैं। एक साड़ी है दरखास्त है जी महकमे अगर सर जी इन्हों का एक पेट्रोल पूरा कर दो, इन्हों का तेल पूरा कर दो जी, एक फेरा जाते हैं जी तेल नहीं है जी, फलान नहीं है जी, टीम नहीं है जी, ये मेहरबानी करने तकरीबन 100-150 बंदा लैके आया। काली सेठ का बाबे शफी का बेड़ा पहुंचा तकरीबन वाम तिकर तो तकरीबन लांचा ने दो तीन बंदे लैके आ रहे हैं जी, तेल मुक गया जनाब, एना सर तेल कोई पहुँचा दो इतने, मेहरबानी है थोड़ी। रेस्क्यू वालों के पास तेल की कमी, आप ये कहना चाह रहे हैं? तेल की कमी है ना, अज 6वां 7वां दिन है पानी चढ़ता पे, अज 2 दिन आए ने तकरीबन 300-400 बंदा लांचा का हक बनता से तकरीबन इधर लै आना, तकरीबन कल तो साढ़े अपने भाई फसल है उधर, इधर जो भी गरीब तबका ये देखो वो लेबर दलील हो रही है तकरीबन, वो कल का खाना खाया उन्होंने। जैसा कि यहाँ के इलाका मकीन बता रहे हैं कि रेस्क्यू वालों के पास पेट्रोल की कमी है और वो इलाका मकीनों से कह रहे हैं कि पेट्रोल दे ताकि आपके लोगों को बचाए। अब देखते हैं हम रेस्क्यू वाली टीम के साथ जाते हैं और देखते हैं कि कैसे वो लोगों को रेस्क्यू कर रहे हैं और किस तरह लोगों को महफूज किया जा रहा है। जी नाज़रीन, हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे जो बाकी लोग जिनको रेस्क्यू करना है उनको बचाते हैं। तकरीबन जहां तक बताया जा रहा है कि अभी भी मजीद 150 से 200 अफराद वहां पे आगे फंसे हुए हैं, अभी उन तक पहुंचेंगे और आपको दिखाएंगे कि कैसे रेस्क्यू की टीमें उनको रेस्क्यू कर रही हैं। और बिल्कुल बॉर्डर के करीब ये इलाका और तकरीबन यहाँ पे 20 से 25 गाँव डूब चुके हैं, उन 20 से 25 गाँव से होते हुए उर्दू पॉइंट की टीम यहाँ पे पहुँची है। ना यहाँ पे अभी तक कोई मीडिया का नुमाइंदा पहुँचा है, ना यहाँ पे अभी तक कोई कि सरकारी महकमे या कोई सरकारी इदारों में से कोई दूसरे अफराद पहुंचे हैं, सिर्फ रेस्क्यू 112 की तकरीबन 2 से 3 ये कश्तियां पहुंची हैं और उसके बाद उर्दू पॉइंट की टीम पहुंची है और यहां पे बचाने के लिए हज़ारों अफराद हैं। तकरीबन यहां हज़ारों एकड़ रकबा जेरे आब आ चुका है, यहां लोगों की अरबों रुपये की प्रॉपर्टियाँ डूब चुकी हैं, यहाँ लोगों के घर डूब चुके हैं, उनके माल मवेशी डूब चुके हैं, उनकी तकरीबन हर चीज़ यहाँ पर डूब चुकी है, लोगों की जानें बच गई हैं जिस पर वो अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। बाकी जो लोग फंसे हुए हैं उनको रेस्क्यू की टीम कैसे बचा रही है ये आपको लेके जा रहे हैं, ये देख सकते हैं आप मेरे पीछे भी कुछ रेस्क्यू वाले अफराद हैं और इनसे थोड़ी सी बात करते हैं। भजन कब से काम कर रहे हैं, कब से काम कर रहे हैं? ये हमें 5 दिन हो गए काम करते हुए। 5 दिन हो गए हैं, कितने लोगों को बचा लिया अभी तक? हमने 1000 को रेस्क्यू कर लिया है। 1000 लोगों को रेस्क्यू कर लिया, कितने गाँव डूबे हैं यहाँ पे, कितने गाँव डूबे हैं यहाँ पे? यहाँ पे 7 से 8 गाँव है वो जो डूबे हुए हैं यहाँ पे, आगे पीछे तकरीबन 20 से 25 गांव डूबे हुए हैं, पीछे 20 से 25 है, 7 से 8 गांव इधर है। आगे कितने लोग फंसे हुए हैं? आगे जी कैसे कैसे हमें इतला मिली के एक जगह पे 10 लोग हैं तो हम फौरन मूव हो रहे हैं और उनको रेस्क्यू कर रहे हैं, फिर हमें खबर कोई आता है कि बताता है कि हमारे 15 लोग हैं, जैसे जैसे हमें खबर मिलती है हम वैसे ही लोगों को रेस्क्यू कर रहे हैं। और जहाँ तक बताया जा रहा है 200 लोग फंसे हुए आगे, ये अभी तक हमने इस तरह की कोई खबर नहीं सुनी कि 200 लोग फंसा हुआ है, तो हमें यही सिर्फ सलाह मिलती है कि एक जगह पे 10 लोग हैं, एक जगह पे 20 लोग हैं, तो हम रुटी लगातार बगैर सांस लिए हम अपना वर्क कर रहे हैं। चलिए नाज़रीन, आप देख सकते हैं, अगर आप मेरे चारों तरफ देख सकें तो ये तकरीबन जितनी मकई की फसल है जो हज़ारों एकड़ पर मुहित है वो डूब चुकी है, जितने ये गाँव हैं वो तमाम डूब चुके हैं, तमाम लोगों के घर डूब चुके हैं, उनके यहाँ पे माल मवेशी डूब चुके हैं, यहाँ पे उनके स्कूल उनके अदारे जो यहाँ पे मौजूद थे
तकरीबन तमाम डूब चुके हैं और रेस्क्यू की टीमें यहाँ पे काम कर रही है, लोगों को रेस्क्यू कर रही है। बाकी मजीद आपको आगे दिखाते हैं। जी हाँ नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि हम तकरीबन उस इलाके में पहुंच चुके हैं, उस जगह पे पहुंच चुके हैं और ये पीछे इतना फ्लो के साथ इतना तेज पानी था जैसा कि अगर साहिल समुंदर पे या कोई दरियाए रावी या दरियाए सुतलज का पानी नहीं है। ये सिर्फ आम गांव है जो इस वक्त डूब चुके हैं और पानी की लपेट में, और तकरीबन लोगों को बचाने जब हम यहाँ पहुँचे हैं तो अभी भी यहाँ पे अगर आप देख सकें वहाँ पे कई अफराद, वो अगर आप मेरे लेफ्ट साइड पर देख सकें वहाँ पे कई लोग फंसे हुए हैं जिनको रेस्क्यू करने के लिए हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं। और पीछे अगर आप देख सकें काफ़ी बड़ी तादाद में माल मवेशी मौजूद हैं, जानवर मौजूद हैं जिसमें गाय भैंसे बकरे बकरियाँ और मजीद ईद और भी कई जानवर यहाँ पे मौजूद हैं जिनको बचाने के लिए पहुँचे हैं। और अगर उस साइड पे देखें तो अभी यहाँ पे थोड़ा सा अगर आप मेरे पीछे देखें ये एक बुज़ुर्ग है, इनको भी ही बचाया जाएगा। ये बुज़ुर्ग देखे इतनी गहरे फासले हैं और दूर दूर तक कोई किसी को बचाने वाला नहीं है और यहाँ पे अगर हम पहुँचे हैं बुज़ुर्ग को बचाने के लिए, ये रेस्क्यू की टीम के साथ यहाँ पे पहुँचे हैं और देखें कि दूर दूर तक यहाँ पे कोई चीज़ नहीं है। वहाँ पे अगर आप मेरे देखें तो लेफ्ट साइड में सिर्फ सारे जानवर ही जानवर है जिनका कोई वाली वारिस नहीं है, जिनका कोई मालिक नहीं है। और ये बुज़ुर्ग ये जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं इनको रेस्क्यू किया जा रहा है रेस्क्यू 1122 की टीम की जानिब से। चाचा जी और भी कोई बंदे फंसे हैं वहाँ पे? बंदे फंसे हैं, बेड़ा नहीं चल रहा थे और दूसरा बेड़ा जानवर शानवर बच गया है घर डूब गया? जानवर दो बार इधर पाए ने, नहीं उतो पीछे मुड़ आए अगर नहीं गए, हाँ दो बार पाए ने दरिया उधर जाने वास्ते। इनका क्या होगा हूँ इतने जाए? हाँ इतने बह गए ने, दो बार पाए ने इधर नहीं जाते पीछे आ जाते सारे आन खड़े। जैसा कि बुजुर्ग फरमा रहे हैं दो रुड भी गए ने, दो जानवर आपके रुड़ गए डूब गए। ओ गलाली जी इधर हेठा गंगा नहीं आते फसी गली पानी उधर तो वाह वाह इन्हें आहो अन कर आवे हाँ नाल जाने टालियाँ सन दे नाल परली साइड। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इनको एक बुजुर्ग है, क्या उम्र है जी आपकी? है 60 साल। कब से यहाँ पे फंसे हुए? ये तो 5-6 दिन हो गए। 6 दिन से आप यहाँ पे फंसे हुए थे? अब सारा कुछ ट्राले भी खड़े माल डंगर चुकी चुकी सारा कुछ सारा डूब गया। कितना नुकसान हुआ आपका? मकइयाँ डूब गई, मकइयाँ रोड गई छिलियाँ छिलाइया तोड़े रोड गए। ने देखा पहले बुजुर्ग को बचाया गया, रेस्क्यू किया गया रेस्क्यू 1122 की टीम की जानिब से। अब इधर पहुंचे हैं यहाँ पे नौजवान काफ़ी फंसे हैं अगर आप देख सकें और लोगों की मदद के मुंतजर है वो एक काफ़ी यहाँ पे भी बड़ी तादाद है, यहाँ पे माल मवेशी भी हैं और कई लोग मदद के मुंतजर थे जैसा कि आप देख सकते हैं। और उन्होंने शुक्र का कलमा पढ़ा कि कोई उनको बचाने आया है, वो मदद के मुंतजर थे और आप जैसा कि देख सकते हैं और यहाँ पे सहारा लेके वो खड़े हुए थे। अब रेस्क्यू की टीम यहाँ पे भी उनको बचाने पहुंची है, कितने दिन से ये फंसे हुए हैं कितने लोग हैं तमाम देखे, वहाँ पे भी एक रेस्क्यू की टीम पहुंच चुकी है मदद करने के लिए। जी हाँ नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मस्ती की गांव से होते हुए ये नगर गांव है यहाँ पे पहुंच चुके हैं और यहाँ पे ये तमाम लोग मदद के मुंतजर थे इनको रेस्क्यू करने के लिए। रेस्क्यू की टीम यहाँ पे पहुंच चुकी है, 60 साल बुजुर्ग को रेस्क्यू किया गया और अब यहाँ पे अगर आप लोग देख सके लोगों की बाइकें हैं, लोगों के माल मवेशी हैं और उनको तमाम लोगों को रेस्क्यू करने के लिए यहाँ पे रेस्क्यू के लोग पहुँच गए। और कैसे उनको रेस्क्यू किया जा रहा है, कौन कौन से उम्र के अफराद यहाँ पे मौजूद है, जैसा कि आप देख सकते हैं इनमें खवातीन भी हैं, इनमें बच्चे भी हैं, इनमें बुजुर्ग भी हैं और काफ़ी बड़ी तादाद यहाँ पे लोगों की मदद की मुंतजर थी। और यहाँ जैसी रेस्क्यू की टीम पहुंची है आपके सामने रेस्क्यू किया जा रहा है लोगों को। और मस्ते की ये गांव है, बिल्कुल इंडिया के बॉर्डर के करीब है, कसूर का इलाका है, यहाँ पे कसूर शहर का एक इलाका है मस्ते की। और ये आखिरी गांव है, पीछे 25 गांवों से उर्दू पॉइंट की टीम होती हुई जब आखिर में पहुंची तो कहा गया है जी कि 200 से 250 अफराद मस्ते की गाँव के अंदर फंसे हुए हैं, उनको रेस्क्यू किया जाए। और ये 200 से 250 अफराद को रेस्क्यू किया जा रहा है, ये बिल्कुल आपके सामने आपको राह रास्त मनाजिर आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि कितने लोग यहाँ पे फंसे हुए थे जिनमें बच्चे बूढ़े बुजुर्ग खवातीन और मवेशी भी जिसमें मौजूद है, जिनमें उनका सामान भी मौजूद है, बाइक्स भी मौजूद है। और ये वो लोग हैं जिनकी ज़मीनें डूब गई, जिनके जानवर डूब गए, जिनका तमाम सरमाया तकरीबन डूब चुका है। और यहाँ पे क्योंकि सिग्नल भी नहीं है तो कोई रेस्क्यू 1122 की टीम को फ़ोन करके भी नहीं बुला सकता, क्योंकि यहाँ पे किसी भी क्योंकि बॉर्डर करीब है, बिल्कुल यहाँ से आधा किलोमीटर का भी फासला नहीं है बॉर्डर का, पाकिस्तान इंडिया बॉर्डर का, तो यहाँ पे मदद करने आने के लिए कोई कॉल भी नहीं कर सकता रेस्क्यू 1122 की टीम को।
नाजी लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया और वहाँ पर उनको एक महफूज जगह पे पहुँचाया जा रहा है। सर हमारे अम्मा जी कितने दिन से यहाँ पे फंसे हुए थे आप? कितने दिन से फंसे थे तुसी? असि कल परसों दे थे फंसे हैं, कल दे डूब गया। हाँ सब कुछ ही होया सैलाब। किन्ने बजे इंडिया ने पानी छड़िया? कल परसों दा छड़िया, हफ्ता हो गया। हफ्ता सैलाब पहले भी आया कभी ताड़ी जिंदगी दे? अग्गे भी आया, अग्गे भी आया सी। हो गया बाबा 4-5 साल। साल किवें बचे सी? इस तरह ही ओ तो भी इस तरह ही गए सां दे उत्ते। हां नुकसान होया सी? ओ तो भी नुकसान वाधू होया सी। की नुकसान होया? हुण सारा कुछ तो डुब गया, ते मकईयां सारा कुछ डुब गया। हाँ घर भी डुब गया। हाँ सब कुछ ही, नहीं मुंजी लाई वो भी डुब गई। हाँ बचे बस, हाँ घर वाले बच गए। जिया नाज़रीन जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस कदर आवाम जो फंसी हुई थी उसको रेस्क्यू किया गया। उर्दू पॉइंट की टीम के यहाँ पहुँचने पे 20 से 25 गांव से होते हुए उर्दू पॉइंट की टीम यहाँ पहुँची। उस उधर भी जो लोग फंसे हुए थे उनको रेस्क्यू 112 की टीम को इंगेज करके उनको बचाया गया। और ये वो तमाम लोग हैं जिनको अभी तक रेस्क्यू किया गया है। और ये अभी आधी तादाद है, इससे आधी तादाद अभी भी वहाँ पे फंसी हुई है। और उर्दू पॉइंट की टीम के तवज्जो से रेस्क्यू 112 की टीम को इंगेज करके वहाँ पे पहुँचाया जा रहा है। और वहाँ से तकरीबन 250 से 300 अफराद में से अभी तक 100-150 अफराद को बचा लिया गया। उनकी उनके माल जान उनकी चीज़ों को रेस्क्यू कर लिया गया। बाकी आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस कदर तादाद है, किस कदर लोग बेचारों मददगार हैं, लोग दूसरों की मदद के मुंतजर हैं। उनमें आपको छोटे बच्चे, इसमें आपको बड़े बुज़ुर्ग खवातीन, बुज़ुर्ग अफराद, उसमें आपको हर उम्र के अफराद मिलेंगे। और वो किस कदर मुश्किल में आई आपको बराह रास्त मनाजिर आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान औसाफ अली खान को शाज़िया भट्टी के साथ इजाज़त दीजिए अल्लाह ने के बाद।